जब महिलाओं के मंगल सूत्र का गलत इस्तेमाल करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने इतना घिनौना बयान दिया था, वहां पर ही बागपत में जब वोटिंग हो रही थी आज, तो न्यूज 24 के राजीव रंजन को मिल गई एक महिला जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है पढ़ी लिखी। क्या बोलती हैं वो, गौर से सुनिएगा। ये वीडियो वायरल हो रहा है और मेंटल विकास को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी गिरती जा रही है, उसको लेकर इन महिला डॉक्टर ने कितनी पते की बात कही है, सुनिए। तो मौजूदा सरकार के काम को आप कैसे देखते हैं? आप बताइए, आप कैसे देखते हैं? आप मीडिया में ना, आपके अंदर हिम्मत है बोलने की? मैं तो बोलता हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ। बताइए। बहुत सारे काम अच्छे हुए, बहुत बहुत सारे काम जो होने थे नहीं हुए। जैसे मैं मानता हूँ कि इस लोकतंत्र के इस पायदान पर आकर मंगल सूत्र, सोना चांदी, इस पर चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस पर। जी मंत्री, तो वो कह रहे हैं कि दूसरे आ जाएंगे तो सोना चांदी लेके बांट देंगे मुसलमानों को। आ जाएं, फिर जो करना है कर लें। अगर आ जाएं तो जो करना है कर लें। आपको उम्मीद क्या लगती है, मोदी जी का 2014 और 19 में जो मामला था वो 24 में है? नहीं, कब नहीं। देखिए, जो होगा या जो होना चाहिए, दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं ना। बिल्कुल। तो क्या नहीं हुआ? नहीं, मतलब जो होना चाहिए, मतलब सपोज बीजेपी रिपीट करे, तो बीजेपी रिपीट कर रही है और क्या उसको रिपीट करना चाहिए, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ रिपीट कर रही है क्योंकि उसे रिपीट करना चाहिए था, ये तो जरूरी नहीं है कि ये सही बात है। पर सबकी अपनी आइडियोलॉजीज हैं और सबका अपना सोचने का ढंग है, तो जिसे जो सही लगे वोट करे, फिर भुगतेंगे। अपने डिसीशंस के लिए खुद ही तो जिम्मेदार हैं भाई। अगर आप वोट करेंगे तो आगे जो अब तक होता है वो और आगे होगा और बड़े स्तर पर। तो आप जो है क्या करती? मैं डॉक्टर हूँ। समझ रहा था, क्योंकि आप जो है तो पढ़े लिखे लोगों के, महिलाओं के दिमाग में मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई के ज्यादा है। वही है, वही। लेकिन है। आप नहीं मानती कि खासकर बागपत की अगर मैं बात करूं तो इस इलाके में पिछले 10 सालों में विकास 7 सालों में हुआ है, लोगों को कानून व्यवस्था या गुंडागर्दी खत्म। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक धर्म के लोगों को इंसान ही ना समझो तो क्या विकास? मेंटल विकास तो जरूरी है ना, उसमें तो डिटेरियोरेट हो गए लोग। आपके साथ रहते हैं, साथ उठते बैठते हैं, उन्हीं को आप हीन भाव। वही, इतना ही नहीं, युवा भी हैं जो कि बहुत लॉजिकल बात करते हैं। जब गोदी मीडिया के हवाले से उनके दिमाग में ऐसे सवाल डालने की कोशिश होती है कि भाई अगर जेल जा रहे हैं लीडर्स ऑपोजिशन वाले, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, क्या पता ये लोग करप्ट ही हों। ये जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, जब ये जनता के बीच में उन युवाओं के सिर पर डालने की कोशिश करते हैं, तो वो पढ़ा लिखा युवा, आज के दौर का युवा किस तरह से लॉजिक के साथ उनके इस पूरे प्रोपेगेंडा का ध्वस्त करता है, वो भी देखिए। I feel that we need to vote to save the democracy and for the name we have as a nation. To be honest, we live in very difficult times. The opposition leaders are being arrested. This is the first time a sitting chief minister is being arrested. Their opposition bank accounts are being blocked. Mm-hmm. And there are many things. But you wouldn't even imagine for once that maybe those opposition leaders could be corrupt. So do you mean that if I am a corrupt opposition leader, and if I change my party and go to a party that is in power, all my crimes and all will be washed away, like how it is happening right now? Don't you think that is a point? I would like to add that we have to focus on... Again, at the end of it, they are ideally independent bodies, at least they're supposed to be. So how can you blame one party if the agencies like the ED and IT investigating, and also the courts are ultimately deciding on bail and proceeding? Absolutely. India's judiciary system has been very powerful. And as you know, the Chief Justice of India has done many great works in the recent past. And even in the last few weeks, there have been much better judgments from the Supreme Court. But what I am asking you and what the nation should ask before they go to vote is, how come when a politician is in an opposition party, there are cases against him, but the moment he tries to shift, all the ED charges or the CBI charges are dropped? So how does that actually work? Propaganda itna hai कि अरुण गोविल, जिन्होंने रामचंद्र जी का किरदार निभाया था, उनको इन्होंने मेरठ से टिकट दी है, वो आपको पता ही है। लेकिन एक सीनियर जर्नलिस्ट जो कि NDTV में पहले एडिटर रह चुके हैं और अभी उन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए जब ये रिपोर्ट की है, तो उन्होंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा।
उनसे पूछा कि आपके क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, इस इलाके के मुद्दे क्या हैं। सुनिएगा, बस बैकग्राउंड में जय श्री राम चलता रहे, उसी से काम चल जाता है, कई सारी जनता का भी चल जाता है, मुद्दे इन्हें पता नहीं है। Basically, the major issues always and anywhere. We're talking about this Meerut presidency. सड़क होती है, बिजली होता है, पानी होता है, शिक्षा होती है, नौकरी होती है, मेडिकल होता है, राइट। तो इसमें जो जो भी इश्यूज या मुझे एग्जैक्टली आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि यहाँ कितना कौन सी तरफ कितने इश्यूज हैं, okay. जो भी होंगे as they come to us, we'll try. You're not aware, meaning you've not had a chance to study them or? No, I'm asking. It's not a question of study, no. Okay. You are taking me somewhere else. No, I'm asking you. You are taking me somewhere else. नरेंद्र मोदी का ये वाला भाषण सुना आपने? कह रहे हैं वो चाहते हैं रिलीजन के हिसाब से रिजर्वेशन लाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होगा, तो अब ये लोग एक बैकडोर एंट्री ऑफ रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है उस ओबीसी के कोटे से आरक्षण का हिस्सा छीनने के लिए पिछले दरवाजे से चोरी करने के लिए उन्होंने कर्नाटका में जितने मुसलमान हैं सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी के लिए मिला हुआ आरक्षण उसको छीनने का पक्का षड्यंत्र पूरा कर दिया। कांग्रेस की ये हरकत पूरे देश के ओबीसी समाज के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, जातिगत जनगणना जिसका बहुत ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, बिल्कुल सही बात लोगों तक पहुंच चुकी है और इसीलिए अब ये आपके सामने कुछ भी बोले जा रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो जातिगत जनगणना की भले ही आपके सामने बात कर रहे हैं, बेसिकली मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि उन्होंने भी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जो भी वेल्थ जनरेट हो वो सारा सबसे पहले मुसलमानों को दिया जाएगा। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और इस पर एक स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी है जो ज्यादा रियल लगती है, क्योंकि जो रियलिटी है वो किसी स्टैंड अप कॉमेडी से कम नहीं है। आई डोंट नो इफ यू हैव बीन वाचिंग दिस इन्फ्लुएंसर, ही गेव अ स्पीच, सम ऑफ यू मे हैव सीन इट, सम ऑफ यू मे हैव सीन इट एंड चोजन नॉट टू हियर इट, बट वेरी इंटरेस्टिंग स्पीच दैट ही गेव, आई मेड सम नोट्स फ्रॉम इट एंड ही सेड अ बंच ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ देम वेरी फैक्चुअली इनकरेक्ट, बट वी स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट फैक्ट्स अबाउट टू इलेक्शंस अगो। सो this guy was making a political speech in Rajasthan and he said that according to the opposition's manifesto the hard earned money of Indians will first be allocated to Muslims and this blew my mind entirely as a Muslim, like the resources and the money of Indians will be allocated to Muslims, mind blowing, because I had no idea that Mukesh Ambani was Muslim. Learn something new every day, huh? Oh, sorry, did I say Mukesh Ambani? I meant Bhukesh Mambani. Freudian slip. Parallel universe. Modi ji, aapke is jawab mein to na, aap hi ka edited video chala dena chahiye. Baar baar jhooth bolo. Jitna bada ye video jhooth hai,
उतना ही बड़ा झूठ आप यहाँ पर लोगों में फैला रहे हैं। और प्रधानमंत्री होते हुए एक के बाद एक आप ऐसे झूठ लोगों को बताते हैं, ये सोचते हुए जैसे जनता मूर्ख है। शुरू में सुना था ना वो डॉक्टर महिला, जिनको आप मंगलसूत्र के नाम पर क्या क्या बेचने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे सपने। वो कह रही हैं आपकी पार्टी मेंटल विकास में गिरती जा रही है, उस पर तो ध्यान दे दीजिए। मेंटल विकास तो जरूरी है ना। अरे अरे अभी का निकल लिए, कासगंज वाले मिश्रा जी की तो सुनते जाइए। तो सरकार तो कह रही है कि हमने बड़ा विकास कर दिया है लोगों का। विकास करे एक काम करो, सरकार हमारे घर ले आओ, हम 5 किलो राशन बांट देंगे और 2000 की जगह 4000 रुपया महीना देंगे भाई, ठीक है। हमारे खेत में काम करे आके, चलो खेत रखा केवल रात में और दिन में परे वो भाई 4000 रुपये महीना देंगे पन्ने के। और बोलो क्या नाम बताए थे? गौरव मिश्रा। मिश्रा जी तो क्या लग रहा है, लेकिन जनता वो सरकार तो कह रही है कि इसी आप कह रहे हो इतनी कमी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं आपकी बीजेपी में वोट नहीं देंगे, यहाँ से हाथ जोड़ रही है। और बताओ इतना दुखी हो? दुखी यार, हर किसान आदमी का दिल दुख रहा है, और क्या लोग है यार, कि किसान कहाँ से सुखी है बताओ। आप कहते, आप तो कह देते हो कि 2000 दे रही है, लेकिन 20000 का नुकसान हो रहा है, वो कौन झेलेगा? फसल तुम बो के घर नहीं आ पाओगे, उससे पहले खाने वाले 50 है, क्या करे फिर किसान बताओ? कर्ज ले लेके मरा जा रहा लगा लगा के। लेकिन वो तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। मैंने किया, हम मुँह से गाड़ी निकलते हैं भाई साहब, तुम काम काम में मीडिया से तुम मुझे क्या गाड़ी कपड़ी मीडिया को दही यार, गाली वाली नहीं, निकाली वो चीज देखो, बात कर सकते नहीं, शांति से ही कर रही है। अपना वोट का अधिकार नहीं खोना है, कितनी भी गर्मी हो। बड़ी सारी कोशिशें हो रही हैं कि वोटिंग ज़्यादा हो ना पाए, बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। कोशिश कीजिए टाइम पर थोड़ा जल्दी पहुँच जाइए और अपने अधिकार को ज़रूर इस्तेमाल करें। सत्यमेव जयते हैं।